उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे तो क्या कर लेगा रे? हाँ क्या कर लेगा बोल, क्या करेगा, क्या करेगा बोलना। क्या यार ऐसे क्यों आउट हो गई? छोड़ ना यार। वेलकम टू द स्पोर्ट्स न्यूज़। बीसीसीआई ऑन फ्राइडे अनाउंस द स्क्वाड फॉर द मंडे सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बैट्समैन प्रणीत कुमार हैज बीन नेम्ड एज द टीम्स वाइस कैप्टन। रिया सुना क्या, प्रणीत इज इंडियन टीम्स न्यू वाइस कैप्टन। हाँ सुना। कहाँ जा रही है? काम के लिए बाहर जा रही हूँ। ऑटो मुझे इनके बारे में डिटेल्स चाहिए। इसके बारे में डिटेल्स क्यों चाहिए? मैं कोलकाता में जर्नलिज्म पढ़ रही हूँ और क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी को स्पॉन्सर कर रही हूँ इसलिए यहाँ हैदराबाद आई हूँ। इनके बारे में बहुत बातें सुन रही हूँ इसलिए बहुत क्यूरियस हूँ। स्टेडियम रिकॉर्ड्स में इनका फोटो भी मिला इसलिए इनके बारे में आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। मुझको एक डाउट है, इसके बारे में मुझे पता है, तुम्हें ये कैसे पता चला? फोटो के पीछे स्टूडियो का एड्रेस है, उधर जाके पता चला ये आपके फ्रेंड है। किसी न किसी वजह ये जेल में आते रहते हैं, ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है ठीक है, मैं बोलूंगा और तुम लिखोगी। तुमको मेडल मिलेगा और तुम फेमस हो जाओगी। मुझे क्या मिलेगा? पांच हजार देकर तुमने मेरा दिल जीत लिया है, सब बताऊंगा। रेलवे राजू, हारा हुआ एक खिलाड़ी। हैदराबाद और बेंगलोर के बीच लीग मैच अंतिम दौर में पहुंच चुका है। हैदराबाद हार जाएगा करके सोचा था क्योंकि 61 बॉल में 97 रन बनाना था, मगर रेलवे राजू ने इस गेम को अंतिम निर्णय तक पहुंचा दिया। इस गेम को अपनी तरफ मोड़ने के लिए हैदराबाद को चाहिए लास्ट बॉल 4 रन टू विन। हे भगवान, ये मैच राजू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का मैच जिता दोगे तो आने वाली गणपति में आपका मंडप धूमधाम से सजाएंगे।
हाँ राजू, ये वेंकटेश की सीडी है, ठीक है ना? ओके सेठ, बाय बाय। दिन भर यहाँ वहाँ घूमती रहती है, रात बेरात घर पर आती है। इसकी मुझे फिकर है इसलिए मैं इसे चिल्लाती रहती हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनता है? आती हूँ पापा। ठीक है बेटी। अरे मैं इतना गला फाड़कर चिल्ला रही हूँ लेकिन आप कुछ भी नहीं बोले। वो अभी कॉलेज जा रही है, आने के बाद बात करेंगे। श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामी नमः, पुष्पाणि पूजयामि, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आप ठीक है ना सर? और वो लोग भाग गए सर, उन्हें शूट करना है क्या? मगरमच्छ की हिम्मत पानी में होती है, और इनके जंगल में। इसके अलावा ये कुछ कर सकते हैं? नहीं। एक गिरा वहां, पकड़ लाओ उसे। ओके सर। आपके हाथ छोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए सर। छोड़ दूंगा, पहले एक बात बता। वो औरत पायल बांध कर नाच रही थी तो उसके आसपास शाम सिक्योरिटी क्या, और मैं अकेला था तो फिर उन लोगों ने काउंटर फाइट की, तो ये बता कि वो औरत कौन है और क्या करती है? उसका नाम अहिल्या है, वो स्टेट कमेटी के लीडर सभ्य शास्त्री की वाइफ है। उसको सुरक्षा देने के लिए हमें ऊपर से ऑर्डर आए थे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। इस बैग में सोना और पैसे हैं, आपको इसमें से कुछ है? नहीं, मेरा पैसा नहीं, हराम का है, मैं इसे छूंगा भी नहीं। एक काम करो, परसों अटैक में जो कांस्टेबल मर गया था उसके घर पहुंचवा दो। आईजी पर अटैक होने के बाद हमारे सारे लोग अपनी सुरक्षा में लगे हैं, इस वक्त उसे पकड़ूंगा तो अपना मोरल नहीं रहेगा। हम कितनी भी ट्राई करें उनका नेटवर्क नहीं तोड़ सकते, एक ही रास्ता है अहिल्या, उसे पकड़ो तो वो मिलेगा। मुझे उस महान स्त्री की डिटेल्स चाहिए, माँ बाप भाई बहन भैया दीदी सभी का। राजू सर, गुड, वेल प्लेड, थैंक यू सर। लेकिन तुम्हारे गेम में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो क्या सर? तुम जोश से पूरे ग्राउंड में खेल रहे हो, लेकिन सिक्स मारने वाली बॉल को तुम ऑफ साइड की जगह लेग साइड पे खेल रहे हो।
लोकल बॉलर होगा तो चलेगा, लेकिन नेशनल बॉलर होगा तो लॉन्ग ऑन पे कैच हो जाओगे। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है सर, उसे कम करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन वो क्रिकेट में लीगल है या नहीं पता नहीं। राजू आ रहा हूँ, अर्जेंट काम है, बात करनी है। अरे हाँ बाबा आ रहा हूँ। सर वो ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। नित्या चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे क्या हो गया? चाची शादी करवाऊंगी कह रही हैं। ए, ये क्या मच्छी मार्केट है, इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो, पास में जाकर बात करो, जरा भी अक्कल नहीं है। अरे पर किसके साथ? उनकी दोस्त के बेटे के साथ। कांग्रेस तो फिर कर लो। तुम ऐसे ही मजाक करते रहो, तब तक मेरी शादी होकर दो बच्चे भी हो जाएंगे। ये तो बढ़िया है, एक का नाम रखना रवि शास्त्री और दूसरे का गावस्कर। ठीक, तुमसे बात करना ही बेकार है। तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका सही सही जवाब देना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मजाक कर रहे हो? नहीं, अपना हाथ दिखाना। दिखाओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ए हिलो मत। अब ध्यान से सुनो, ये एक नदी है, एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ बकरी है। ये शेर बकरी को कैसे खाएगा बताओ? जंप करके खाएगा। जंप कैसे करेगा? वो कोई छोटी मोटी नदी नहीं, बहुत बड़ी नदी है, समझी? नेक्स्ट। बोट या फिर कुछ और? हाँ, शेर बोट में नहीं चढ़ता। मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। जरा दिमाग पे जोर दो। मुझे नहीं पता, तुम बताओ ना। वो क्या है कि सवाल का जवाब जो है ना, मुझे भी नहीं पता है, इसी बहाने मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था, समझी? नित्या आई लव यू। अरे अरे मारो मत, क्या कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ राजू। इतनी सारी लड़कियां होने के बावजूद तुमने मुझे ही क्यों पसंद किया? वो क्या है, मेरी तो कोशिश ये थी कि मैं बॉल को सीधा बाउंड्री के पार मार दूं, मगर कैच पकड़ ली और सिक्स मारने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि तुमसे शादी करूंगा तो मेरे होने वाले बच्चे ये सिक्स मारेंगे, ऐसे सिक्स मारेंगे कि तुम। अरे अरे रुको, मैं तो मजाक कर रहा था राजू। अरे सुनो, रुको तो। अरे अरे सुनो, क्या कर रहे हो? क्यों भाई, कोई नई फिल्म आई है क्या? एक इंग्लिश फिल्म आई है। इंग्लिश फिल्म मतलब उस टाइप की? चेची वो नहीं है, ब्रूस ली की फिल्म है। ओ फाइटिंग है ना इसमें कि नहीं रहेगी? हाँ, शुरू से आखिर तक फाइटिंग ही फाइटिंग है। तो फिर दे। ये लो, इसका 100 रुपया डिपॉजिट और 20 रुपया रेंट। क्यों बे, गलत बात क्यों कर रहा है? पैसा किससे मांग रहा मालूम है ना? ए सीनियर से चलाकी मत कर। चल बे। अबे रेड डालेगा तो गेम ओवर हो जाएगा। तू चुप रह। अबे ये काय को झगड़ रहा है? पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, चल पड़ ले। फ्री में देने के लिए दुकान नहीं खोल रखी है, तुम लोग को पैदा नहीं किया मैंने। क्या बोल रहा है? दुकान तुम लोग खोल रखी है। भाई जाओ, समझाओ उसे। मैं समझाता हूं, नहीं पैसे लेगा चाहिए। चलो, अरे बिजनेस मेरा है, उसमें तुम क्यों पड़ रहे हो? ऐसे धंधा कैसे चलेगा? अबे चुप करो यार, उन लोगों से पंगा मत लो। जानते हो वो कौन है? भगवान दास, कृष्ण दास, चरण दास। इनमें से कोई भी अपने घर में फूल या पौधा नहीं लगाता, क्योंकि मार्केट में गांजे की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही, इसलिए ये लोग अपने घर में गांजे का पौधा लगाते हैं। शहर में बढ़ रहा है भगवान दास का खौफ। वर्मा जी, अगर स्टोरी लिखोगे तो आपका नाम होगा, और मेरे बारे में लिखोगे तो मौत मिलेगी। मुझे धमकी दे रहे हो? सुनो मिस्टर, जिस दिन से मैंने जर्नलिस्ट की शपथ ली थी, उसी दिन मौत को मैंने अपने गले से लगा लिया था। याद रखना, तलवार से ज्यादा हमारे कलम में धार होती है। तलवार में धार होती है, तलवार में धार होती है। राजशेखर जैसा एसआई केवल एक है। प्रेस वालों को वार्निंग देता है, और वो भी उनके यूनियन लीडर को। तुझे लगता है तू कुछ भी करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? वार्निंग देता है, मेरे तरफ से वार्निंग देता है। इतना बोलने के बाद तू नहीं सुधरा, तू रुक। मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं बाथरूम में फिसल गया था। झूठ मत बोलो, तुम बाथरूम में फिसल गए, मुझे सब पता है। भगवान दास के साथ यही प्रॉब्लम है, उसे हाथ से मारो तो डंडा लेकर आएगा, डंडे से मारो तो चाकू लेकर आएगा, चाकू लेकर आए तो वो तलवार, उसे मार डालो नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। What do you think I'm an idiot? जो पता नहीं उसके बारे में बात मत करो। मैं IAS बनने से पहले एक मेडिकल डॉक्टर थी, दैट टू फ्रॉम एम्स।
लुक एट दीज पिक्चर्स। एंट्री और एग्जिट को ध्यान से देखो, इट्स अ क्लोज रेंज शॉट। दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर से भी कम है। ये पक्का एक फेक एनकाउंटर है। सच में फेक एनकाउंटर क्या आपको पता है मैडम? एक तरह से युद्ध में शामिल होने जैसा। इस देश को सम्मान नहीं देने वालों के साथ युद्ध हो रहा है। एंड द टाइम ऑफ वॉर लॉ शुड बी साइलेंट, नहीं तो हम लोगों के साथ कानून भी मर जाएगा। हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस मिस्टर इम्तियाज? कानून को इज्जत नहीं दोगे तो आप दोनों में क्या डिफरेंस रह जाएगा? मैं भी वही कह रहा हूँ, क्या रूल सिर्फ हम लोगों के लिए हैं? मेरे पिताजी 20 साल तक कांस्टेबल रहे, एसआई के रूप में प्रमोट होने के दिन माँ के साथ गाड़ी में घूमने गए, लैंडमाइन का धमाका, अम्मी अब्बू के साथ 5 और कांस्टेबल्स, ये बात किससे कहूं, ये सोचकर सबको दफन कर दिया। तब कहां थी आप मैडम? There it is. You are taking this personally. अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए ये सब कर रहे हो। हम सरकार के लिए काम करते हैं और इस तरह की बातें करना हमें शोभा नहीं देता। We can't talk like this. मैडम आप इस स्टेट की नहीं है, यहाँ के इंसान और हालात को आप नहीं जानते। अगर इनमें इन्वॉल्व हुई तो मुसीबत में फंस जाओगी। What? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? Are you trying to threaten an IAS officer? मेरे कहने का वो मतलब नहीं। Enough said, इम्तियाज। Law is law for all. किसी भी हालत में ये रिपोर्ट मैं सबमिट करूंगी। You can leave now. I said law is law for all. Out. फोन मेरे लिए है। हेलो शांताराम, क्या कहा? 15 ग्राम कोकेन? कौन? शालिनी मिश्रा? डॉक्टर अब शिवांगी मिश्रा, IAS। ओके ओके ओके, नहीं तुम डरो मत, लॉ इज लॉ फॉर ऑल। कुछ नहीं, 10 ग्राम पार हो गया, पेडलिंग केस, अरेस्ट करके रिमांड के लिए भेजो। कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल करना मुझे। सर, सर आपको मैडम बुला रही हैं। सर अंदर क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम सर? क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा। और कोई खबर? सर अहिल्या के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। इंटर तक भद्राचलम में पढ़ी, उसके बाद डिग्री के लिए हैदराबाद आई। यहाँ सव्य शास्त्री के साथ परिचय और प्यार हुआ, उसके बाद कहीं चली गई। इन लड़कियों को हो क्या गया यार, सभी बैड बॉयज पर मरती हैं। खैर चलो छोड़ो वो सब, इस फ्राइडे को सभी लंच के लिए आ जाना, हैदराबाद दम बिरयानी खिलाता हूँ। सर, okay, सर फ्राइडे को बीवी के साथ डिनर पे जाना है। चुप करो यार, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, कोई टेंशन नहीं, आ जाना। गणेश चतुर्थी के उत्सव में आने वाले सभी भक्तों का इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ। अबे शुभ लक्ष्मी एंकर है तो अपना परफॉर्मेंस भी बिल्कुल धांसू होना चाहिए उसके बराबरी का। सलमान, I love you. क्या सीन था यार, इसमें हम लोग कहाँ हैं? तुम लोग साइड डांसर हो बे, तुम्हारा फुटेज इतना ही। हम भी मेन डांसर की तरह डांस कर सकते हैं। अबे मेरी स्पीड की बराबरी तुम नहीं कर पाओगे। तुमको एक स्टेप बताता हूँ, गाना खत्म होने तक तुम बस उस स्टेप को मेंटेन करते रहना। डांस आइटम बाय सोलमन एंड फ्रेंड्स। अबे टेस्टर सुन, ये जंप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को ठीक से पकड़ कर रखना है। वैसे भी आज पब्लिक बहुत आई है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हे टेस्टर। अरे इसे लग तो नहीं गई। अरे नहीं नहीं, ये तो इसका डांस का स्टेप है, तो टेंशन मत ले, हम ऐसे करते हैं, ये बहुत बढ़िया है। ओके। अबे मर गया रे, अबे मुझे उठाओ, कमर टूट गई। इसको लग गई। अबे आज तक उठाओ, क्या देख रहे हैं? आराम से, आराम से। अब देखिए नित्य राज का ड्यूएट।
Hey, किससे पूछ कर यहाँ मंडप बांधा है? हाँ, किससे पूछ कर यहाँ गणपति की मूर्ति बिठाई? किससे पूछ कर लोगों से चंदा वसूला? तेरी वजह से मुझे 1,00,000 रुपए का फटका पड़ा। चंदा 20,000 ही लिया है भाई। अगर मैं होता तो लोगों को डरा धमका कर 1,00,000 रुपए वसूला होता। अब कौन देगा मुझे वो 1,00,000? तलवार दे मैं। पैसे नहीं दिए तो काट डालूंगा। छोड़ दो ना, क्यों झगड़ा कर रहे हो? कल तो विसर्जन है। तू कौन है रे? क्रिकेट प्लेयर है भाई, परसों इसकी फोटो पेपर में आई थी। हम लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। ठीक है, नहीं तो 1,00,000 रुपए की डिपॉजिट रख लूंगा। समझ गया? सिर झुकाने के अलावा किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। भगवान दास से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। सब ने डिसाइड किया कि वो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर दे देंगे। अब तेरी मिस हो गया। ए बॉल दे रहे। कितनी बार बोला तुझे फ्रंट फुट में मत खेला करना। बच्चा हूँ ना भाई, बच्चे ऐसे ही खेलते हैं। जबान लड़ाता है। अरे कल ही देखा जूनियर टीम में, क्या नाम था उसका? हाँ, सोनू। क्या खेलता था यार वो। अरे उसको देख जरा। सीधे खड़े हो जा। नाम क्या है? रेलवे राजू। तेरा बाप रेलवे मिनिस्टर है क्या? नहीं सर, माँ रेलवे में काम करती है, रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ, इसलिए सारे लोग मुझे रेलवे राजू बोलते हैं। ये कौन है, जानता है इसे? नहीं जानता सर। सच कह रहा हूँ, नहीं जानता सर। ये कौन है, जानता है इसे? मेरी दीदी है सर। तेरी दीदी से शादी की है तो ये तेरा जीजा लगेगा। अच्छा बोल, कितने दिनों के बाद मिलते हो? कौन कौन आता रहता है? कौन सा वेपन कैरी करते हैं? तुम्हें कितना पैसा देते हैं? मैं किसी से नहीं मिला हूँ सर, मुझे किसी ने पैसे भी नहीं दिए। मैं 5 साल से दीदी से भी नहीं मिला सर। अच्छा, अगर लड़की 1 घंटा गायब रहे तो घर वाले घबरा जाते हैं। वो कहाँ गए, कैसी है, जिंदा है या मर गई या फिर किसी के साथ भाग गई, ये सोचकर लोग पुलिस में कंप्लेंट देते हैं। और तो कह रहा कि 5 साल हो गए, पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? नायडू सर, ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, जरा एक राउंड पे ले जाए इसको। यस सर। सर मेरी बात सुनो सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। चल चुपचाप सर। दीदी 5 साल चली, घर छोड़ के चली गई सर। बताएगा अभी मेरा यकीन कर सर। सर 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 मुझे मत मारो सर। बोल जरा सर, मुझे नहीं पता सर। सर What's happening? कौन है ये? स्टेट कमेटी मेंबर का खास रिश्तेदार सर, रेगुलर मिलते रहते हैं, इससे कुछ पूछना था इसलिए लेकर आए। सर मुझे कुछ नहीं पता। hey! सर मैंने कोई गलती नहीं की सर। कौन हो तुम? क्रिकेटर हूँ सर। क्रिकेटर में क्या हो? राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बॉलर। गुगली और स्लीपर में क्या अंतर है? गुगली स्लीपर ये सब शब्द यहाँ पे यूज नहीं करते सर, यहाँ तो कुछ भी बोलते हैं, अंदर डाल बाहर डाल घुमा के डाल ऐसा बोलते हैं। लेके जाओ इसे। सर मेरी यकीन करो सर, मान लो सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं क्रिकेटर हूँ सर। इस साल लीग में मेरा हाई स्कोर है सर, चाहे तो आप न्यूज़पेपर में देख लो सर। देखो क्रिकेटर का मैं सम्मान करता हूँ, यूनिवर्सिटी के लेवल तक मैं भी खेला हूँ। एक काम करते हैं, मैं 1 ओवर डालूंगा, तू 24 छक्के मार, छोड़ दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, इट्स अ स्पेशल पार्टी इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वॉल्व न हो तो अच्छा है। एंड दिस इज माई बटालियन एंड आई एम द कमांडर। स्पोर्ट्स कोटे के लोगों को अटेंड होने को बोलो। Thank you.
सर जसपाल सिंह सर साउथ जोन का प्लेयर है, टेरिफिक बॉलर, इसकी बॉल को खेलना इम्पॉसिबल है सर। सर गन फायरिंग हो रही है, बहुत शोर हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है सर। स्टेडियम में साउंड नहीं रहता है क्या? नाटक कर रहा है तू, जा। टॉस बॉल सर। फर्स्ट थ्री बॉल्स लेग साइड में डाली, लास्ट बॉल ऑफ साइड में डाली, तो भी लेग साइड खेला। ऑफ में ड्राइव लेंथ डालने के लिए बोली है, वो नहीं खेल पाएगा। क्रॉस सी आउटसाइड ऑफ स्टंप डालने वाला है। जोश से पूरे ग्राउंड में खेल रहे हो, लेकिन सिक्स मारने वाली बॉल को तुम ऑफ साइड की जगह लेग साइड पे खेल रहे हो। शॉट जब 12 साल के बाद गोरो ने मारा। ओह वाओ, दैट इज रियली इमेजिनेशन, स्किल, टैलेंट। तो उस शॉट को रिवर्स स्वीप कहा गया। हम तो इसे रेलवे राजू शॉट कहते हैं। हाँ चलो चलो, टाइम हो गया। हेलो पापा, कैसी हो रिया? हैदराबाद कैसा लगा? इट्स गुड पापा। वन मोर थिंग, राजू के बारे में थोड़ी डिटेल्स पता चले हैं। ओके। मैंने उनके एक फ्रेंड से बात की है। नई जगह है, संभल कर रहना रिया। I'll take all the care. I'll call you tomorrow. ये देखो यहाँ है। यहाँ पर क्यों? मेरे अच्छे बिहेवियर को देखकर मुझे ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया। इन लोगों का रोल मॉडल मैं ही हूँ। उसके बाद राजू की कहानी में क्या हुआ? क्या हुआ माँ? तुझे पुलिस वाले पकड़ कर ले गए
इससे मेरा दिल घबरा गया। वो तेरे साथ क्या करेंगे ये सोच सोच कर मेरी जान ही निकल गई। कुछ नहीं होगा माँ। हमने कभी उसके लिए कोई कमी की थी क्या कि वो हमें छोड़कर चली गई? इतने सालों से इज्जत से जी रहे थे, अब हर कोई हमारे बारे में ही बातें कर रहा है। उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी धूमधाम से शादी करवाऊंगी ऐसा सोचा था, अब वो भी उम्मीद नहीं रही। माँ, दीदी की शादी हो गई। कब? 4 साल पहले। किससे शादी की? हमारी जात का ही है ना? मैं भी पागल हूँ, वो जब घर ही छोड़कर चली गई तो फिर जाति कुल उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे बस। मुझे नहीं जाना है राजू। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे फ्रेंड की शादी है ना, तुम्हें पता है मसूरी कितनी अच्छी जगह है, बड़े बड़े महल, हाथी, घोड़े। वो बात नहीं है राजू, मुझे टेंशन है तुम्हारी दीदी की, उस पुलिस वाले की। अरे कुछ नहीं होगा, इस साल मैं कैसे भी करके लीग में हाई स्कोर बना लूंगा और रणजी में सेलेक्ट हो जाऊंगा। स्पोर्ट्स कोटा में गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा, उसके बाद शादी करेंगे, तुम्हारा और माँ का ख्याल रखूंगा। क्या है? तो क्या हुआ, तुम ही तो हो, देख लो। नित्या, हाय। हाय 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 नित्या। हाय। क्या रे, तुम लोग कभी टाइम पे नहीं आ सकते? ये क्या कह रहे हो, टाइम पे ही तो आए। टाइम पे आने का मतलब कभी कभी लेट आना होता है। ओ, इनको तो कुछ समझता ही नहीं है, क्या करे। नित्या बाय। बाय राजू। राजू तुम ही हो ना? हाँ। तुम्हारी दीदी ने दिया है, इस एड्रेस पे रुकना, मेरे आदमी तुम्हें लेकर जाएंगे। इस लफड़े में अपनी लाइफ स्पॉइल मत कर, तुम्हारी दीदी अगर कांटेक्ट करे तो इन्हें इन्फॉर्म करना, ये रहा नंबर। ए, रुको रुको। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। भाई, प्रोजेक्टर ऑफ। दीदी क्या कर रही हो, ये सब रोक दो। बीच में रोकने के लिए ये कोई खेल नहीं है, ये युद्ध है। पर कितने दिनों तक चलेगा? तुम ऐसी बातें मत करो, ये हजारों सालों का युद्ध है। आप बदल गई हो दीदी, आपकी बातें भी बदल गई है, आप बिल्कुल इन लोगों जैसी बात कर रहे हो। उसके बारे में नहीं, अपने बारे में सोच। तू पुलिस वालों के नजर में पड़ा है, वो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है, वो लोग तेरा जीना हराम कर देंगे, तू उनके चक्कर में मत पड़। और सुन, जल्द से जल्द मैं तुझे और माँ को मलेशिया भेज दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं सारी तैयारी कर दूंगा। तो भी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों, किस लिए? उस देश में क्रिकेट नहीं खेलते हैं ना। ओह, क्रिकेट, अमीर लोगों की गुलामी करने वाला बर्बादी का खेल है ये। अंग्रेज जाते जाते छोड़ गए थे इसे, इंपीरियलिस्टिक गेम। लेकिन इस बात का गेम से क्या संबंध है? संबंध है। शांत हो जाओ भाई, कितने दिनों बाद साले से मिले हो, मजाक करना चाहिए, इसे डरा क्यों रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुमने सचिन तेंदुलकर को देखा है क्या? एक बार मिला था भाई, हैदराबाद में क्रिकेट खेलने आए थे, तब मिला था। लेकिन राजू, इतने सारे गेम्स हैं, फिर तुझे क्रिकेट ही क्यों पसंद? कोई भी गेम खेलो तो एक ही पॉइंट, एक ही गोल, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है, क्रिकेट में एक बॉल में सिक्स भी मार सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। जंबू सर, जंबू सर, जंबू सर। Thank you.
बोला था ना, वो लोग बुलाए तो इन्फॉर्म करना। ए, हमें पहले इन्फॉर्म करता, हम बैकअप लेके आते, उन्हें पकड़ लेते। कितने सालों से वो कांस्टेबल था, कल एसआई बना था, 15 दिन के बाद उसकी बेटी की शादी होने वाली है। सरदार, इसे नहीं छोड़ूंगा सर। नहीं, इसे कहां मारूं ताकि वो फेक एनकाउंटर ना लगे, ये मुझे अच्छी तरह पता है। सुन, तुझे, तेरी दीदी को और तेरे जीजा को और उनकी मेंटल सेना सबको बर्बाद कर दूंगा। मरे हुए मुरली साहब की कसम, जा। राजू की माँ ने दिया है भगवान दास को देने के लिए। ठीक है। इतनी गर्मी में चाय पी रहे हो? अब तो आदत पड़ गई है यार। सेठ जी, दुकान पर ध्यान रखिएगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? भगवान दास को 1,00,000 रुपए देने थे, वही दे के आता हूँ। देखो ईश्वर, पैसों का एक उसूल होता है, बाएं हाथ से दाएं हाथ में आने पर भी हमें कुछ लाभ होना चाहिए। अरे चुप हो जाओ सेठ, उस भगवान दास को अगर 4 दिनों में पैसे नहीं मिले ना तो पागल कुत्ते की तरह भौंकेगा और सीधे वो यहाँ आ जाएगा। आएगा, मैं परसों जेल गया था ना। उस बाबा को ब्लू फिल्म वाली सीडी देने के लिए? तुम्हें 100 बार बोला है मैंने, उसने मुझसे सत्य हरिश्चंद की सीडी मांगी थी और मैंने उसे वही दी है, अब बीच में ब्लू फिल्म आ गई तो मैं क्या करूं? सेठ जी आप बताओ। जेल में मेरी एक से पहचान हुई थी, जिंदगी में कब कौन कैसे हमारे साथ कनेक्ट होगा ये तो किस्मत लिखने वाले ब्रह्मा जी को भी नहीं मालूम। सीनू भी मुझे कुछ ऐसे ही मिला था। कुछ ही दिनों में हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए, हम दोनों की सोच एक दूसरे से मिल गई, बाद में मुझे बेल मिली। बाहर जाके इस नंबर पर फोन करना, मेरे आदमी मिलेगा। सीनू के बेल के लिए पैसे नहीं है सर, आप ही कुछ अरेंज कर दीजिए। पैसा? सीनू को बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज, पैसे सर, के बारे में मुझसे कोई बात मत करो। सर सर सर, एक मिनट सर। सर मेरे पास ये चेन है, इसे किसी दुकान पर बिकवा दीजिए ना। हाँ, सोना है क्या? मुझसे नहीं होगा ये। सर प्लीज सर, हम बहुत परेशान है सर, हम लोग रामपुर के रहने वाले हैं, नाम तो सुना होगा आपने, चोरी के लिए बदनाम है, कई दुकानों के ताले तोड़कर बहुत सारा सोना जमा किए हैं, लेकिन वो सब कुछ गांव में है, पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, हम इसे बेचने गए तो पहचान लिए जाएंगे, हमारी मजबूरी समझिए सर, आप इसे यहीं कहीं बिकवा दीजिए ना सर। आपकी हमारी अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छे से घुल मिल गए हैं, इसलिए आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। नहीं, ऑफर के लिए मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेगा? पैसे अच्छे मिलेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे पैसों से ज्यादा फ्रेंडशिप की जरूरत है, तो फिर दारू और सोडा मिलने जैसा फ्रेंडशिप और पैसा नहीं मिलता है। सीनू पैसा बोल रहा है ना, तो रुक तो बोल। हम लोगों के पास बहुत सारा सोना है, लेकिन हम उसे कहीं बेच नहीं सकते। इस वक्त मार्केट में 1 किलो सोने का भाव 5 लाख है, पर उसे हम आपको हाफ रेट में देंगे, फिर उसे किसी भी ज्वेलरी की दुकान में बेचेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। 1 लाख इन्वेस्टमेंट, 2 लाख प्रॉफिट, क्या बोलते हो? लाख नहीं, 2 लाख रुपए, बाकी का इन्वेस्टमेंट मेरा। भगवान दास को पैसा नहीं दिया तो लफड़ा हो जाएगा भाई। हम लोग सीधे वहां पहुंच गए। दोस्त मैं हूँ। अबे तू चिल्ला मत, सब ठीक है ना? मीट माय फ्रेंड। हेलो। और ये परिचय देने का टाइम नहीं है, हम लोगों के ऊपर पुलिस की नजर होगी, वो लोग कहीं भी हो सकते हैं, हम लोग संभल के चलना होगा। पहले वो गाड़ी भिजवा दो, मैं आगे निकलता हूँ, तुम लोग 10 कदम पीछे चुपचाप चले आओ। ये हम लोगों के बड़े भाई हैं, परसों अमलापुर में चोरी करने के बाद दीवार फांदते हुए बेचारे का पैर टूट गया, उसके बाद 2-3 बार क्या हुआ पता? मेरे बारे में क्यों बता रहा है? कितना चाहिए? 1 किलो। क्या भाव बताया? 2 लाख। क्यों रे सीनू, 3 लाख बोला था ना? भाई वो मेरा दोस्त है, इसलिए डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने वाला तू कौन है? हम लोग अपने हाथ पांव तोड़वाकर इतनी मेहनत से ये सब जमा करते हैं, तेरा क्या हक बनता है? तू कौन है बे? बस इतना ही भाई, मेरे बारे में हमेशा ऐसे ही करते हो। उस दिन सुपर राव को इससे भी ज्यादा कम करके दे दिया, तुम्हारे लिए कितनी बार मैं जेल गया, तुम मुझ पर दया नहीं करते। रोना बंद कर, उसी रेट में लेकर जाओ। अरे ज्यादा मत घिसो भाई, 24 कैरेट का है। अरे इतना बड़ा शरीर लेके कहाँ भागू? सॉरी छोड़ दो नहीं। सुनो सुनो इधर इधर। सॉरी दोस्त, किसी दलाल ने कंप्लेंट किया होगा, तुम लोग पुलिस के हाथ मत लगो, तुम लोग यहीं रुको, मैं सोना लेकर के आता हूँ, तुम लोग पुलिस के हाथ मत लगना, मैं आता हूँ।
लगता है बारिश होने वाली है। ये सीनू अब तक आया नहीं। लगता है पुलिस वालों से मिला होगा। अरे वो तुमसे पहले ही भाग गया था, वो कैसे मिला होगा? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हें सीनू पे शक है? हाँ, यहीं पर आया था ना। झोपड़ा कहाँ है? अरे भाई साहब, यहाँ पर एक झोपड़ा था ना। आप लोग सोना बेचने वाले हो क्या? हाँ, वही। सोना खरीदते वक्त कोई रेड हुआ था क्या? पागल लोग, सोना बेचने वाले भी वही हैं और रेड करने वाले भी वही, चोर भी वही और पुलिस भी वही। ए, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सब लोगों ने मिलकर किया था ना। तेरी तो मेरी सब किसी वजह से। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, नाउ विल बी सिलेक्टिंग दिस ईयर रणजी टीम। फिलहाल हमारे दो प्लेयर्स के फॉर्म में ना होने की वजह से और दो प्लेयर्स के रिटायर होने के कारण नए चार प्लेयर्स को हम चांस देंगे। ओके, लेट्स गेट गोइंग। सर, डॉक्टर जी का बेटा राम कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, राम ना, ठीक है। वो भीमराव का बेटा श्रीपति, ऑफ स्पिनर, इस सीजन में 52 विकेट्स लिया है। इज इट इम्प्रेसिव? गुड। सर, हमारा वो लड़का, मुझे पता है, इस साल का टॉप स्कोरर। सर, आप यहाँ क्यों? आना नहीं चाहिए था? इस सिलेक्शन कमिटी को ऑनरेबल चेयरपर्सन, एडीजी रैंक, आईपीएस ऑफिसर, मतलब मैं हूँ। वो क्या है सर, जनरली ऐसी मीटिंग में चेयरपर्सन लोग नहीं आते हैं, मेंबर्स पे ही छोड़ देते हैं। नो, मैं छोड़ूंगा नहीं। गिव मी द लिस्ट। सर, ये है प्लेयर्स लिस्ट। थैंक यू। हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। सर, क्या हुआ सर? सर, आप गलत कर रहे हो। स्पोर्ट के साथ दूसरे इश्यूज को लिंक करना करेक्ट नहीं है सर। तू अपना मुंह बंद रख। उसकी वजह से 5 लोग मारे गए हैं। पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। नहीं किया तो तुम सबको पता है क्या होता है। क्रिकेट मतलब जेंटलमैन्स गेम है ना, तो इसमें क्रिमिनल्स क्यों खेल रहे हैं? उसकी दीदी कहती है पूरा गवर्नमेंट ही गलत है, कहती है कानून गलत है, और वो कहता है इंडिया के लिए खेलेगा। अगर किसी भी मैच में उसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला तो कैमरा के सामने माइक पकड़ के अपनी फैमिली के बारे में क्या बताएगा? सर, इससे उसका लिंक क्या है सर? शट अप, जस्ट शट अप। अपना मुंह बंद रखो, उसी में बेहतरी है। रोकल क्या है उसका पता है क्या? उसकी जरूरत लगेगी। राजू, तुम्हारे घर में नेक्स्टलाइट सिलेक्शन कमेटी में पुलिस वाले के रहने तक मुश्किल है राजू। सॉरी। तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो बहुत दुख होता है। एक अच्छे प्लेयर के साथ ये नहीं होना चाहिए था। तुम एक काम करो। बताइए सर। बीसीसीआई में वेस्ट बंगाल का एक एमपी बहुत एक्टिव है, तुम जाकर उनसे मिलो। मैं ऑलरेडी उनसे बात कर चुका हूँ, डेफिनेटली वो तुम्हारी मदद करेंगे। ओके सर। ए राजू, एक मिनट चलना। कहाँ यार? वो भगवान दास को जो पैसे देने थे वो कहीं गुम हो गए हैं। अरे अर्जेंट गांव जाना है यार, 2 दिन कैसे भी संभालो ना, आने के बाद देखते हैं। सिग्नल हो गया है, मैं निकलता हूँ। राजू, भगवान दास के आदमी नित्या को उठा कर ले गए यार। रुको। ऐसा क्यों? वो तो इस गांव में नहीं है ना। वो कल ही तुझे ढूंढते हुए शॉप में आया था और वहां से ही उसे उठा कर ले गया। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो नहीं छोड़ेगा। दम मारोगे क्या? एक कश मारो ना। राजू, ए, रुक जाओ। उसका तो सिर्फ नाम राजू है, असल राजू तो हम हैं। अच्छा बैठ है तेरा। भाई, गलती पहली बार हुई मुझसे,
अगली बार नहीं होगी, उसे छोड़ दो, मैं पैसे दे दूंगा। पैसा ना देने का नाटक कर रहा है? पैसा लेके आ, फिर लड़की लेके जा। जरूरी काम से मुंबई जा रहा हूँ भाई, मेरी जिंदगी का सवाल है, वहाँ से आने के बाद पैसे दे दूंगा। बॉम्बे से आने के बाद लड़की को ले जा, ऊपर से भाई बोल रहा है ना, वो हमारे साथ जुड़ जाएगी। भाई, उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे तो क्या कर लेगा रे? हाँ, क्या कर लेगा बोल? हाँ, क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा बोलना? तुझे बोला था ना कि लड़की को छोड़ दे। पहले ही पता था किसी भी दिन ऐसा ही होगा। देख बाबा, साला क्रिमिनल बन गया है। अरे लकड़ी का चम्मच बनाओ यार, मैं हाथ से नहीं खा पा रहा हूँ। और क्रिकेटर बनने वाला वो राजू क्रिमिनल बन गया। अरे सेनू, हाँ चल। क्यों, अभी टाइम कहाँ हुआ है? अरे जेलर साहब राउंड पर आए हैं, बैरक के पास फोन मिला है। अरे किसी के पास फोन मिला तो उसे मेरा क्या मतलब है यार? ओ बकबक बंद कर, तेरे बैरक के पास एक फोन मिला है। बात दो फोन की हुई थी, यहाँ तो एक ही फोन है, एक फोन और कहाँ गया? इसीलिए जेलर साहब ने तेरी 15 दिनों के लिए मुलाकात बंद कर दी थी। चल। अरे आधी स्टोरी बताई, अब मेरा क्या होगा? छोड़ो यार, माधवपुर में एपा सोसाइटी में विठल सेठ मिलेगा, उससे मिलो। उनका फोन नंबर है क्या? उससे मेरा झगड़ा है, मेरे बैरक में जो दो फोन है ना उसमें भी उसका नंबर नहीं है। अरे तूने दो दो सेल फोन रखा हुआ है? अरे सर मारो मत, सर मत मारो ना भैया। माधवपुर लेना। हेलो, सुबह से कॉल कर रही हूँ, कहाँ है तू? एक इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। क्या हुआ बोल? कल हम सबको NCA मेन कैंपस में जाना है, अर्ली मॉर्निंग जाना है, इसलिए तू जल्दी आ जाना। ओके ओके बाय। क्या सेठ, मेरे बर्थडे के लिए सब लोग चंदा निकाल रहे, तुम क्यों कंजूसी कर रहे हो? तुम भी कुछ दे दो। तू मेरा बेटा है क्या? मैंने तुझे पैदा किया है क्या? क्यों दू? तू मेरा बेटा है क्या? मैंने तुझे पैदा किया है क्या? अरे अभी उधारी दे दो, मैं बाद में पूरे पैसे दे दूंगा। देखो ये दानवान का काम मैं नहीं करता। अरे दे दो ना अंकल। एक मिनट जाओ किसी और से। कैसी बातें कर रहे हो? आपको क्या चाहिए? विठल सेठ। आपका फ्लैट बहुत अच्छा है, कितने में खरीदा? कुछ नहीं पड़ा बेटी, एक फ्रिज खरीदा था, लकी ड्रॉ में ये फ्लैट मिल गया। सुपर लकी हैं आप।
सब ऊपर वाले की दुआ है बेटी। 4 साल पहले एक शॉप में 2 जोड़ी कपड़े खरीदे, लकी ड्रॉ में नैनो कार मिल गया। अभी परसों की बात है, 10 रुपए का ठंडा पिया तो 10 लाख मिल गए। इसीलिए वो गुंडे लोग मुझसे जल रहे हैं। इन 20 सालों में राजू के बारे में किसी ने नहीं पूछा और मैंने किसी को बताया भी नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन तुमसे बताने का मन हो रहा है। भगवान दास के मर्डर को पुलिस वालों ने बहुत ही सीरियसली लिया। 48 घंटे के अंदर राजू को गिरफ्तार करके उसे रिमांड पर भेज दिया। उस भगवान दास के आदमी ने हम पर अटैक किया, हमारी सारी दुकानें जला दी। अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा राजू, तुम ही बताओ। बेटा ले ये फल खा ले। चौड़ाई पल्ली के पास पुरुषोत्तम पर एक इन्फॉर्मेशन है सर। पुरुषोत्तम कौन है? दलाम में बहुत दिनों से काम कर रहा है। वहां के लोग कहते हैं वो कुंभकर्ण जैसा है, कितनी भी बारिश हो वो खराटे मार कर सोता रहता है। अगर जंगल में भूख लगी तो फल खाया जाता है, मगर ये कुत्ता कौवा जो मिला वो जला कर खा लेता है। वेपन्स में एक्सपर्ट, सिंगल हैंडेडली LMG हैंडल कर सकता है। सर वो रही बस। कौन है? क्या है वो? एक्सप्लोजिव है, बॉडी के बाजू में रख देते हैं। अभी जरूरत नहीं, गाड़ी में एक कॉपी रख। 20 साल से जो आंदोलन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये तुम्हें भी नहीं पता। मिनिमम 30 मीटर से निशाना साधो। सर ये यूज मत करो, 303 यूज करो, एक से ही काम हो जाएगा। इम्तियाज। हाँ बोल। परसों एक सांप ने काटा था, दवा खाने जाते समय तुम लोगों ने पकड़ा। मुझे छोड़ दो, तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। मेरी 3 मांगे हैं। पहला, मेरे ऊपर जो केस है उन सभी से मुझे इसी वक्त माफी मिलनी चाहिए। दूसरा, मेरे सिर के ऊपर जो इनाम है वो भी मुझे ही मिले। तीसरा, जेल से बाहर आने के बाद मैं कोई धंधा डालूंगा जिसमें तुम पुलिस वालों का सपोर्ट चाहिए। नायडू। सर ऐसे छोड़ दे यार। ये क्या सर, इतनी मेहनत से पकड़ा है, मौत के सामने खड़ा है फिर भी ये जान का सौदा कर रहा है, ये हमारे काम आएगा। हाँ तो बोल, क्या करने का है? जंगल में हुई घटना में स्टेट कमेटी का लीडर सव्य शास्त्री, उसकी बीवी अहिल्या और 16 नक्सलियों को पुरुषोत्तम नाम के नक्सली ने गोली मार दी, लेकिन ये पुलिस द्वारा किया गया ऑपरेशन है ऐसा माना जा रहा है। मारने से पहले पुरुषोत्तम ने उन सबको नींद की गोली खिला दी थी, लेकिन इस घटना के पीछे स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर का हाथ है, जनता ऐसा मान रही है। चाची 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 दीदी मर गई चाची। मैंने कहा था दीदी ये सब बंद कर दो, मां की तबीयत ठीक नहीं रहती, नहीं सुना उसने। अरे मां कहाँ है? मां कहाँ है? राजू Woo!
राजू, मैं आग नहीं लगाऊंगा। वैसा मत बोलो राजू, मेरी बात सुनो। नहीं लगाऊंगा मैं आग। राजू, राजू, ये मेरी माँ है, मैं कैसे आग लगा सकता हूँ? यहाँ आने जाने वाले हर किसी पर नजर रखो। ओके सर। वो ही इंटेलिजेंस में काम आएगा। तुझे, तेरी दीदी को, तेरे जीजा को और उनकी मेंटल सेना को बर्बाद कर दूंगा। तुमसे एक बात करनी है बेटी। क्लब में राजू का कोच मिला था, वो अब जिंदगी में कभी प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बन पाएगा ऐसा बोल रहा था। राजू बहुत अच्छा आदमी है पापा, वो तो परिस्थिति खराब है इसलिए। परिस्थिति अच्छी होती है तो सब अच्छे हो जाते हैं, लेकिन खराब परिस्थिति में अच्छा रहने वाले को ही अच्छा कहा जाता है। अभी जो हो रहा है वो होने ही वाला था, मुझे पता था। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझसे नहीं उसके क्रिकेटर से प्यार करती थी, लेकिन आज वो क्रिकेटर कहाँ है तुम ही सोचो। पापा, मैंने उसके प्रोफेशन को देखकर उसे प्यार नहीं किया, मैंने उसे प्यार किया क्योंकि वो अच्छा इंसान है। तुम चाहे कुछ भी बोलो, बहुत सारे लोग इसके गवाह हैं। तुम कुछ भी करो उसे बेल नहीं मिलेगी, अगर भगवान भी आ जाए ना तो भी नहीं, वो बाहर नहीं आएगा। योर ऑनर, इस आरोपी ने सभ्य समाज का गौरव न रखते हुए इसने दिन दहाड़े बुरी तरह से उसको। क्या कह रहे हो, दिन में हो या रात में हो, उसने जो भी किया हो तुम उसकी धारा बताओ। 302 सर। ओके, प्रोसीड। योर ऑनर, आरोपी ने जरा से भी दया और रहम ना करते हुए बुरी तरह से उसे जानवर के जैसा। रुको, इधर आओ। हाँ सर। इतनी बड़ी बड़ी स्पीच क्यों दे रहे हो? ठीक है ना, कोई गवाह है तो बताओ। जी सर। कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो। ओके सर, बोलिए, बिना डरे और बिना पक्षपात किए उस दिन क्या हुआ था बोलिए। तुम रुको, तुम बताओ उस दिन क्या देखा था। जज साहब, उस दिन हम सब होटल में बैठकर चाय पी रहे थे जब वो। रुको, तुम्हारा नाम सच्चा गौड़ा है ना? जी जज साहब। ऑलरेडी तुम्हारे नाम पे 4 केस पेंडिंग है ना? एसआई जी, इसे कटघरे से अरेस्ट करके रिमांड रूम में डाल दीजिए। ए रुक, ए भागता है, रुक, अभी मेरे पास बहुत गवाह है सर, अगर आप आज्ञा दो तो मैं एक को हाजिर करता हूँ। तुमने लॉ कौन से कॉलेज से पास किया है? अगर नए गवाह को पेश करना है एटलीस्ट 1 महीने की नोटिस देनी पड़ती है। अभी दूंगा सर। तो तब तक तुम्हारी गलती के लिए उसे जेल में सड़ने दूं? सॉरी, बेल इज ग्रांटेड। एजी, आपके लिए कॉफी लाऊं? हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार रेड्डी, मेरे पिताजी 7 साल तक एमएलए रहे, एक बार वो डिप्टी सीएम भी बने, लेकिन मुझे इस राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आराम से दुबई में बिजनेस कर रहा था, कुछ दिन पहले यहीं पर हैदराबाद जाने वाली मेन रोड पर मेरे बाप और भाई को उसने मार डाला। इस केस में भगवान दास प्राइम एक्यूज्ड है। अगर मैंने उसे तभी मार दिया होता तो मेरे ऊपर फैक्शनिस्ट की मोहर लगाकर मुझे दूर कर देते, लेकिन मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की और सिंपैथी की वजह से मुझे मंत्री पद मिला और तुमने उसे मार डाला, इसीलिए तुम्हें बेल दिलवाई। राजू, मेरे साथ काम करना चाहोगे? जो बोलोगे वो मैं करूंगा, लेकिन आपको भी मेरा काम करना होगा। सर, नायडू बोल रहा हूँ मैं, आपके लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन से फिर से नोटिस आया सर, मुझे लगता है कोई जानबूझकर करवा रहा है ये सब। राजू, आने वाले दिनों में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। इंडिया के फिनांस मिनिस्टर ने हमारे मार्केट को ओपन अप कर दिया है, ग्लोबलाइजेशन ने मार्केट को हिला दिया है। मतलब? अभी तक हम सिर्फ गुड्स इंपोर्ट करते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते थे, लेकिन अब वो सब कुछ बदल गया है। हम अपने देश में कहीं पर भी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके साथ विदेशी भी यहाँ आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारी नई कंपनीज, नई प्रोडक्ट इस देश में आएंगे, इसकी वजह से बहुत कंपटीशन बढ़ेगा और बहुत सारी कंपनीज भी बंद हो जाएंगी, बहुत सारी ऑटो मशीनरी इक्विपमेंट्स स्क्रैप हो जाएगा और इनकी चाइना जापान में बहुत डिमांड होगी।
ये एक बहुत अच्छा व्यापार है। इनफैक्ट इट्स अ गोल्ड माइन। थोड़े दिनों में यहाँ हैदराबाद में स्क्रैप माल का बहुत बड़ा टेंडर निकलने वाला है। वो टेंडर अगर हमें मिल गया तो फिर हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है? नाडिया, इस बार तू टेंडर नहीं भरेगा। ये किसने कहा तुझसे? मैं ही बोल रहा हूँ। कौन है बेतू? रेलवे राजू है भाई, भगवान दास का मर्डर इसी ने किया है। टेंडर तो पड़ेगा और पक्का पड़ेगा। तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। गुस्से भी कितना प्यारे लग रहे। पुछ। जा 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 चूस जा खेल ले जा। ए, अपने बदन के ऊपर टावल डालकर मेरे दादाजी यहाँ आए थे और आज मैं ये देख तेरे जैसे कितने आए और कितने गए। लोहे का धंधा है मेरा और लोहे के जैसा ही रहता हूँ। बिना वजह मुझे गुस्सा मत दिला। जा जा खेल जा। बम और बड़ा बनाओ। भाई वजन ज्यादा हुआ तो दूर नहीं फेंक सकते, नजदीक गिरा तो अपने लिए डेंजर है। क्रिकेट बॉल को इस बाउंड्री लाइन से उस बाउंड्री लाइन तक फेंकना है, कोई टेंशन नहीं, बड़ा बनाओ। ठीक है भाई। जाकर हटा दे। मार कर भगा इसे। डरते हुए कितने प्यारे लग रहे हो। बजाओ बजा। हाँ ऐसे नहीं, जोर से बजा। हाँ, कर्म होने से पिघलता है, चाहे वो इंसान हो या लोहा हो, समझे? छोटे शहर से आए हुए हॉट बॉम्ब ने हैदराबाद को एक बार में ही हिला दिया। पहली बार इस शहर में दाखिल हुआ था वो। September 13, 1991 को निजामाबाद एस्टेट में एनकाउंटर हुआ था। उसमें तीन निर्दोष युवकों को मार डाला गया था। 12 अगस्त 1992 को नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में दो आदमी और एक औरत को मार डाला गया। मारने से जोर से लगता है, ये तो तुझे अच्छी तरह से पता है ना? तू जैसा खेलना चाहता था तूने खेल लिया, अब मेरी बारी है। अबे सस्पेंड हुआ हूँ, डिसमिस नहीं हुआ हूँ, 3 महीने बाद फिर आ जाऊंगा। आएगा नहीं, आने नहीं दूंगा। सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, ह्यूमन राइट से माइनॉरिटी बोर्ड तक, सभी जगह केस डालूंगा। तेरी सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटते काटते निकल जाएगी।
आज से तू उल्टी गिनती करना शुरू कर दे, क्योंकि हर मिनट हर सेकंड तू सिर्फ मेरा नाम लेगा, मेरा। जिस दिन तेरे बदन पे खाकी आई वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा, ये बात लिख लेना तू। खुदा हाफिज। तुम क्या पागल हो गई हो, इतनी जल्दी शादी कैसे करे? मैं अब उस घर में नहीं रह सकती, अब तक तो सिर्फ मम्मी कहती थी, अब तो पापा भी कहने लगे हैं। प्लीज मेरी बात समझ लो नित्या, वक्त अभी बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। अब मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना है। राजू, एक लड़की तेरे ऊपर भरोसा करके आई है, शादी करना तेरा फर्ज है यार। नित्या बहुत ही खूबसूरत है, मैं इसमें से एक फोटो ले लूं? बोलिए। ये रख लो। मुझे नहीं चाहिए। जो लोग फल के बिना काम करते हैं और जो काम करवा के फल नहीं देते वो लोग टिक नहीं पाते, और मुझे तुमसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए। ये रख लो। इन पैसों को वीडियो कैसेट्स के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। रिलीज के बाद फिल्म को मार्केट में आने में 3 महीने का समय लगता था। वो फिल्म 1 हफ्ते में मार्केट में आ जाए, हम लोगों ने एक टेक्निक निकाले, उसी को आजकल पायरेसी कहते हैं। एक घर में फिल्म दिखाने के लिए 5 रुपए मिलते थे हमें। मेरी कंपनी कुछ कंट्रीज में ब्लैकलिस्ट है, इसलिए मैं तुम्हारे नाम पर कंपनी खोलूंगा। उसके बाद हवाला, फाइनेंस, सेटलमेंट्स, रिकवरी, ऐसे बहुत सारे धंधों में उतर गए। कभी कभी हम अपने दुश्मनों के धंधे को भी टारगेट किया करते थे। तुम लोग यहाँ क्यों आए? उस लड़की को छोड़ दे। ए, नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लेगा? हाँ, क्या कर लेगा बोल? सुपर रेडी, उसके घर का पता लगाओ, उसे छोड़ दो। राजू के नाम का पूरे शहर में दबदबा हो गया। मैं बिजनेस में आना चाहता हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा डरता हूं, अगर आप साथ दो तो। कौन सा बिजनेस? रियल एस्टेट। कहाँ करोगे? कोकड़पल्ली। कोकड़पल्ली कहाँ है? कोकड़पल्ली हमीरपुर, ESI, एरागड्डा, बीच में जंगल, कहाँ है कोकड़पल्ली? कोकड़पल्ली में इंसान रहते हैं क्या बे? कौन सा इंसान रहता है कोकड़पल्ली में? शर्त लगाओगे? 10,000 पर स्क्वायर फुट बेच के दिखाऊंगा। ठीक है, शर्त लगाता हूँ। कोकड़पल्ली में 10,000 पर स्क्वायर बेचेगा तो 10,000 दूंगा तुझे। खेल नहीं है, मजाक नहीं है ये सब। उसके बाद राजू ने कोकड़पल्ली में लगभग 100 एकड़ जमीन खरीद ली, जिसका फैसला उसने खुद किया था। मेरा नाम सलीम है। यूजुअली हम लोग पुराना मशीन खरीद के उसको स्क्रैप करके बेचते हैं, लेकिन मैंने उसे बेचा नहीं। इंडियन गवर्नमेंट हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक से मैंने 2 मशीन खरीदी, लेकिन मैंने उसे स्क्रैप नहीं किया, उसे बराबर से रिपेयर किया, प्रिंटिंग किया तो ये आया, हाई क्वालिटी स्टैम्प पेपर्स। सेम मशीन में सेम पेपर यूज करने की वजह से कौन सा ओरिजिनल और कौन सा डुप्लीकेट ये पता करना बहुत मुश्किल है। बाकी के स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क को सेट किया है मैंने, AP में आपको ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके लिए ऑलरेडी अशोक रेड्डी से बात कर चुका हूँ, अगर आप रेडी हैं तो मैं बात करता हूँ। गवर्नमेंट से पंगा बहुत रिस्क है, हमें नहीं लेना चाहिए। एक ही बॉल में जब 6 रन मारना है तो हम क्यों ना मारें? उसके बाद वो प्रोजेक्ट चल निकला, उससे हम लोगों ने बहुत पैसे कमाए, इतना कि। सुपर रेड्डी,
क्या है ये? पता नहीं मैडम, विठल सेठ ने मंगाया है। रबर बैंड्स? इतने सारे क्यों? सिर्फ नोटों की गड्डियों को बांधने के लिए बेगम बाजार से हजारों रुपए का रबर बैंड खरीदा गया। मेरे भाई को मार डाला, मुझे लंगड़ा कर दिया, हमारे धंधे को चौपट कर दिया। उसका गला काटने को मैं तड़प रहा हूं। भाई ये लो एडवांस। काम हो जाएगा तो और भी दूंगा भाई। हाँ, क्यों इम्तियाज, यहाँ क्यों आया हो? वही सर, मेरे सस्पेंशन के बारे में। ओके, तुम अमाउंट रेडी रखो, बाकी सब मैं देख लूंगा। रिश्वत हराम है सर। देखो इम्तियाज, तुम्हारे ऊपर ह्यूमन राइट केस लगा है, हम चाहते हुए भी रिव्यू पिटीशन नहीं डाल सकते। लेकिन सर, इस हफ्ता डालेंगे कहा था। लेकिन छुट्टी की वजह से कोर्ट 2 महीने के लिए बंद रहेगा। लेकिन जो केसेस पेंडिंग पड़े उनका क्या? अब ये सब मैं नहीं जानता, ये सारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं। देखो मुझे अर्जेंट काम है, मैं अभी निकल रहा हूँ। अरे हाँ, भूल गया, 20,000 तैयार रखना कोर्ट के खर्चे के लिए। राजू, कॉफी? शाम को आने में लेट होगा, तुम खाना खा लेना। राजू। हाँ। आज क्या है? क्या है? शादी की एनिवर्सरी। जाओ बात करो। सॉरी नित्या, मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब आदत हो गई है। आज सारा काम कैंसिल, ओके? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, सॉरी नित्या, सॉरी बोल रहा हूँ ना। आई लव यू नित्या। आज शाम को पार्टी होगी। Cheers. खिलौने हैं उनके पास, सारे हैंड गन्स हैं, बुलेट यहां तक नहीं आए। हम लोग रेंज में आ गए, पीछे चलो जल्दी। मुझे डर लग रहा है राजू। तुम्हें कुछ नहीं होगा नित्या, ये काम किसने किया है मुझे पता है। नहीं राजू, मेरा डर उन लोगों से नहीं है, तुम्हारे लिए है। मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम जब तक घर वापस नहीं आ जाते मैं टेंशन में रहती हूँ। मुझसे और नहीं होगा राजू। नित्या मुझे कुछ नहीं होगा। खत्म हो गया राजू, सब कुछ खत्म हो गया। मैं जिस राजू को जानती थी तुम वो राजू नहीं हो। वो राजू कब का मर चुका है, और जो राजू मेरे साथ है उसकी दुनिया ही अलग है। ये रास्ता मैंने खुद नहीं अपनाया नित्या। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो गलत था, पर तुम जो कर रहे हो वो भी गलत है।
जिंदगी सबको सेकंड चांस देती है राजू, और तुम्हें भी दिया है, उसका फायदा उठाओ राजू, और ये सब बंद कर दो, वापस लौटाओ राजू, वापस लौटाओ। मैंने भगवान दास को जानबूझकर नहीं मारा, हम तो रिक्वेस्ट करने गए थे, हमने तो उसके पैर भी पकड़े थे, मगर सब गड़बड़ हो गया। अब वो सब क्यों राजू? बोलने दो विट्ठल सेठ, बोलने दो। माँ, दीदी, क्रिकेट, ये सब मेरी लाइफ थी, सब छोड़ के चले गए मुझे। नित्या भी मुझे छोड़ के ना चली जाए, इसका डर लगता है मुझे। एक ओवर में जोर से 3 शॉट मारे तो उस बॉलर पे रिप्ले आता है, वैसा ही ये मारने का, मर्डर करने का, मुझे क्या हो गया है विट्ठल सेठ? शांत हो जा राजू, नित्या सही कहती है, मैं मर चुका हूं, मुझे जीना है विट्ठल सेठ, मैं ये सब छोड़ना चाहता हूं, पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कोई भी रास्ता बंद कर नहीं आता, बल्कि बनाना पड़ता है। कैसे? राजनीति, इस समस्या से बाहर जाने का एकमात्र वही रास्ता है। जरा सोचो राजू, कि अपराधी बनकर आज तक कोई एक भी 40 की उम्र पार कर सका है? एक गुंडे की जिंदगी बहुत कम होती है और राजनेता की ज्यादा। फिलहाल जिंदगी में जितने लफड़े उन्हें किनारे करो, दुश्मनों के साथ कंप्रोमाइज करो। कुछ ही दिनों में इलेक्शन आ रहा है, हमारे पास पैसा भी है, अगर हम किसी पार्टी को फंड करेंगे तो वह हमें टिकट दे देंगे, उसके बाद हम अगला प्लान करेंगे। ठीक है, पहले भगवान दास के भाइयों से मिलते हैं, मीटिंग फिक्स करो। वो लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग तुमसे बहुत डरे हुए हैं। तो हम लोग उनके पास जाएंगे, लेकिन वो हमारे लिए सेफ नहीं है। फिर कैसे करें? उसका एक ही रास्ता है। निजाम हैदराबाद के शासनकाल में उनकी रक्षा के लिए थोड़े सैनिकों को बॉम्बे से बुलाया गया था। जब हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ तो उनका पूरा परिवार यहीं पर बस गया। अब उनकी संख्या लगभग 4,000 है। उन लोगों को अमन का सौदागर यानी शांति दूत कहा जाता है। भैरव लफड़ा करने के लिए एक मुलाकात करने की तैयारी करता है, वैसा करने के लिए बहुत पैसा लेता है, वही उन लोगों का जीवन है। उस मुलाकात में किसी का भी खून बहाने का नहीं, वहां होने वाला मुलाकात को बहुत पवित्र जैसा मानते हैं। कोई भी सवाल के जवाब का ना करेगा तो वो 4,000 लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उनके सिद्धांतों का विरोध करने वाले को जब तक वो लोग मृत्यु की सजा नहीं दे देते, तब तक वो चैन से नहीं बैठते। ए, तू मुझे जानता नहीं है, मेरा 1,00,000 रुपए अभी का भी दे दे। ए, हुआ कब था और अब मांग रहे हो? हम नहीं देंगे। नहीं दोगे? नहीं दूंगा, बोला ना। दे देंगे। तुम्हारी कंडीशन हम नहीं मानेंगे। सेठ, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, मगर आज से तुम्हारे और हमारे बीच कोई लफड़ा नहीं चाहिए। किस्सा खत्म, चलो। लगता है डर गए। ए राजू, मुझे भूल गया क्या? जो बात तुझे पता नहीं उसके बारे में नहीं बोलना। उस दिन मैंने नक्सलियों को नींद की दवा खिलाकर मार डाला, सिर्फ तेरी बहन को छोड़कर। उस पर तो मैं बहुत पहले से लट्टू था, उसके साथ वो रात याद रहेगी। सुबह होते ही खलास। नहीं, नहीं, नहीं राजू, राजू,
ये क्या किया पता है तुझे? ये क्या किया तूने? अभी तक सिर्फ 40 दुश्मन थे, अब 4,000 हो जाएंगे। कब कौन कहां से आएगा पता ही नहीं चलेगा तुझे। बेवकूफ, सर्वनाश कर दिया तूने तो, जिंदगी बर्बाद हो गई। तभी से हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। रिसेंटली हमारे आदमियों ने सलीम नाम के एक आदमी को पकड़ा, सर्च किया तो ये मिला, फेक स्टाम्प पेपर्स। इसकी क्वालिटी देखकर हमारा आदमी शॉक हो गया। बड़े बड़े रजिस्ट्रार और बैंकर्स भी इसका पता नहीं लगा पाए। नासिक में सीज किए हुए इन रुपयों की वैल्यू निकाली तो 100 करोड़ होंगे। पूरे स्कैम की वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए है। प्रॉपर्टी रजिस्टर करने वाले इसे कहीं कपाट के अंदर छुपा करके रखते हैं। 20 साल के बाद बेचेंगे, तब तक उसे इसे बाहर नहीं निकालेंगे। कपाट के अंदर वो ओरिजिनल है या फेक है ये उनको भी नहीं पता है। इंडियन गवर्नमेंट इज डीपली एम्बेरस्ड अबाउट इट। इसके पीछे ISI का हाथ है ऐसी इन्फॉर्मेशन है। रेलवे राजू ने अशोक रेड्डी गैंग को उसे डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प किया ऐसा सलीम ने हमें बताया। Whoever is involved has to brought to the book. सर मैं अभी सस्पेंड हूँ। हम लोग इससे पहले मिले उसका मतलब अलग था, लेकिन आज मुझे मालूम है तुम एक ऑनेस्ट और सीनियर ऑफिसर हो। सो आई विल गेट डायरेक्ट ऑर्डर फ्रॉम सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, यू विल रीस्टेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। नक्सल चाहे कोई भी हो, ट्रैक देम, ब्रेक देम एंड क्रैक देम। चल। कहां पर? हेडक्वार्टर्स। किस लिए? पहले चल वहीं बताता हूं। मैं कौन हूं ये पता है? मेरा बैकग्राउंड क्या है पता है तुझे? इम्तियाज अपनी पूरी ताकत में आ गया। उसने एक एक करके हमारी ताकत और धंधे को खत्म कर दिया। चुपचाप सब कुछ देखते रह गए। हम पुलिस के हाथों में ना पड़े इसलिए बार बार यहां से वहां भागते रहे। उसके ऊपर मर्डर का केस लगा हुआ है, एंटीसिपेटरी बेल का भी कोई चांस नहीं है। हमें कैसे भी हैदराबाद से बाहर निकलना होगा। कहां जाएंगे? सारा पैसा तो सीज हो गया। सारे पैसे नहीं, ऐसी हालत कभी भी आ सकती है मुझे पता थी। इसी दिन के लिए कुछ पैसे मैंने छुपा कर रखे हैं। तुम यही रुको नित्या, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा इस केस से कोई संबंध नहीं है। राजू। हाँ। नित्या हमारे साथ रहे यही ठीक है, इम्तियाज के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं कर सकते। हाँ। नित्या तुम स्टेशन जाकर के 3 टिकट लेकर आओ, इंडिया में कहीं का भी। राजू तुम जाकर के आर एन डिपो से पैसा लेकर आओ, मैं जाकर के फेक पासपोर्ट रेडी करता हूँ ताकि जरूरत पड़े तो विदेश भी जा सकें। हम लोग आज शाम को ठीक 4 बजे स्टेशन पर मिलेंगे। मेरे बदन पर वर्दी वापस आई तो मरने की कसम खाई थी ना तूने? बहुत दिन हो गए वर्दी आ गई, अपनी कसम कब पूरी करेगा तू?
गेम ओवर। आज के मुख्य समाचार। हैदराबाद में पहली बार बंबई के जैसे हुए पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर रेलवे राजू पुलिस के हाथों मारा गया और उसके मुख्य आरोपी विठल सेठ को अरेस्ट किया गया है। इस घटना के बारे में इंस्पेक्टर इम्तियाज से हमारी बात हुई। उन्होंने हमें बताया कि जब पुलिस रेलवे राजू के अड्डे पर पहुंची, तो राजू ने शूट करना शुरू कर दिया। तब पुलिस वालों ने भी अपनी आत्मरक्षा के लिए बैक फायरिंग शुरू कर दी। नेक्स्ट जाने वाली ट्रेन का एक टिकट दीजिए। क्राइम की दुनिया में जितनी तेजी से ऊपर चढ़ते हैं, उतनी तेजी से नीचे भी गिरते हैं। हैदराबाद का एक उजाला था राजू, बेवजह में वो खत्म हो गया। नित्या का क्या हुआ कुछ पता नहीं। मुझे 7 साल की जेल की सजा मिली। जब बाहर आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। विठल सेठ, कौन? क्या हो गया? ये पेपर देखिए, सेम टू सेम राजू के जैसा ही है। ये कल के मैच में ऑडियंस गैलरी से निकाला गया है। हाँ तो नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। राजू को लास्ट टाइम किसने देखा था? इंस्पेक्टर इम्तियाज। वो अभी कहाँ है? वो इस समय ओल्ड सिटी में सेटल हो गया है। आप लोग कौन? इम्तियाज जी से मिलना चाहते थे। यहाँ क्यों आया हो? ये पेपर देखिए, हूबहू राजू के जैसा है। कई बार शक्लें मिल जाती हैं, क्योंकि राजू तो आज से 20 साल पहले मर चुका है। I personally shot him। नहीं सर, मैं नहीं मानूंगी। वही चेहरा, वही आंखें और ऊपर से क्रिकेट में भी इंटरेस्ट। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ वो छोड़िए, आप कुछ छुपा रहे हैं। Tell me the truth। मुझे जो बोलना था बोल दिया, तुम लोग जा सकते हो। सच सुने बिना मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। अबू। हाँ सर। इन्हें रवाना करो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। सर प्लीज सर। मैडम आप भी चलो, निकलो निकलो। कह दिया ना। सर प्लीज सर। चलो निकलो यहाँ से मैडम। चलो प्लीज सर, एक मिनट। निकलो यहाँ से। सर प्लीज सर। चलिए चलिए। चल हट। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उनकी बेटी हूँ। तुम हमारे राजू की बेटी हो? हाँ अंकल। हैदराबाद से मेरी माँ कोलकाता पहुंच गई। वही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं पैदा हुई। मेरी डिलीवरी के बाद मेरी माँ चल बसी। एक बंगाली कपल ने मुझे गोद लिया। मेरे 18th बर्थडे के दिन मुझे एक शॉकिंग न्यूज मिली। इसमें तुम्हारे पिताजी की तस्वीर है। डिलीवरी के समय तुम्हारी माँ ने हॉस्पिटल स्टाफ को दिया था। अपने पिता के बारे में जानने के लिए मैं उनकी बेटी हूँ, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। प्लीज सर, आई बेग यू, आप मुझे सच बताइए। वो दिन आज भी मुझे याद है। ये लॉकेट कहां से मिला तुझे? कहां मिला ये लॉकेट तुझे? भगवान दास के गांजा के गोडाउन में उसके गुंडों को मारा, वहां से। कौन हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है सुपर रेडी, लेकिन उसके घर का पता लगाओ और इसे छोड़ दो। एक मिनट,
ये लॉकेट मुझे मेरे भाई ने दिया है। नहीं नहीं, ये आप पहनिएगा। थैंक्स भैया। चलो। थैंक यू। मान मुझे। एक मिनट रुक दो। हेलो फातिमा, उस दिन जो लॉकेट दिया था वो कहाँ है? भैया वो गुम हो गया। सच बता। एक दिन मैं ट्यूशन जा रही हूँ कहकर फिल्म देखने गई थी। आते समय किसी ने मुझे किडनैप किया। वो लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तभी मुझे जिसने बचाया उसे मैंने वो लॉकेट दे दिया। सॉरी भैया। तूने मेरी बहन को बचाया और मेरी वजह से तेरी दीदी क्या कर, कुछ समझ में नहीं आ रहे। क्या हलाल क्या हराम कुछ समझ में नहीं आ रहे। चल जाए यहां से। जो मेरा नहीं है वो हराम है, मुझे नहीं चाहिए। जाने से पहले तीन शर्तें। एक, तो फिर कभी हैदराबाद में कदम नहीं रखेगा। दो, क्राइम वर्ल्ड में तेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे फिर कभी नहीं मिलेगा। तीन, अमन का सौदागर। ऐसे बहुत से लोग तुझे मारने के लिए घूम रहे हैं। मेरी तीसरी शर्त यही है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस एंड गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स यू आर अ डेड पर्सन। मर चुका है तू। जा जाकर इसके कपड़े पहन ले। इतना ही, उसने मेरी शर्त मानी। वो मुझे कभी नहीं दिखा। कहाँ है, क्या हुआ होगा उसका, मुझे नहीं पता। आएंगे जी, चलते हैं अभी। जरा सुनिए, अगर वो आपसे मिले तो मैं पूछ रही थी, बताइए। कहना मैंने भी याद किया। चलो बेटी। हेलो, कहाँ है तू? एनसीए के मेन कैंपस में। तुम लोग कहाँ हो? हम लोग एक घंटे में पहुंच जाएंगे। ओके ओके, जल्दी आ जाओ। सर सर सर, वन क्वेश्चन प्लीज सर। सर सर, ओनली वन क्वेश्चन सर। सर सर प्लीज सर, प्लीज सर, वन क्वेश्चन सर। सर, इंडिया का वाइस कैप्टन। विठल सेठ, आपको मेरा नाम कैसे पता? पहचाने नहीं क्या सेठ? मैं टेस्टर। आप टेस्टर हो? आप नहीं, तू करके बुलाइए। बड़े आदमी बन गए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें एक बात पता है क्या? राजू अभी तक मरा नहीं, वो जिंदा है अभी तक। पता है? हाँ? तुम्हें कैसे पता? नित्या के हैदराबाद से चले जाने के बाद राजू रेलवे स्टेशन पहुंचा। भैया, यहां से अब तक कितनी गाड़ियां गई? 18 गई। कहाँ के लिए गई? कहाँ बोले तो,
मद्रास, कोलकाता, श्रीनगर, भोपाल। तुम्हारा नाम क्या है? इकबाल। तुम्हें क्रिकेट पसंद है? हाँ। तो फिर खेल क्यों नहीं रहा? यहाँ खेलने के लिए खुद की बैट होनी चाहिए, मेरे पास नहीं है। लाइफ का दिया हुआ सेकंड चांस राजू के समझ में आ गया। उसकी जिंदगी फिर से ट्रैक पर आ गई। उसके पास जो पैसे थे उससे उसने एनसीए स्थापित किया। क्रिकेट में इंटरेस्ट रखने वाले टैलेंटेड गरीब बच्चों के लिए उसने बेस्ट कोचिंग फैसिलिटीज तैयार की। मुझे भी यहां बुलाया। इंडिया टीम में 2 लोग, ए टीम में 4 लोग, रणजी में 50 से भी ज्यादा प्लेयर्स दिए। इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेट एकेडमी एनसीए उसने तैयार किया। दूसरों के लिए वो है नेशनल क्रिकेट एकेडमी, लेकिन राजू के लिए वो है नित्या क्रिकेट एकेडमी। बहुत अच्छा है। तो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया, सारा देश तेरा फैन है, और उस राजू ने इतना सब कुछ किया, तुम लोग उसके फैन हो। 7 साल जेल में रहकर आया, ये बूढ़ा अभी तक जिंदा है या मर गया कभी पता किया तुम लोगों ने? डिस्काउंट में फ्रिज खरीदा तो फ्लैट मिला, सेल में 100 रुपए का शर्ट खरीदा तो नैनो कार मिली, और 10 रुपए की पेप्सी पी तो 10 लाख मिला। कभी सोचा था क्या सेठ ऐसा होगा? अभी तो मैं पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर हूं। राजू को तुम बहुत पसंद हो सेठ, वो तुम्हें पिता समान मानता है, वो तुम्हें हर पल याद करता रहता है, तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकता। राजू को देखना चाहता हूं, मैं राजू को देखना चाहता हूं। ये लड़की कौन है पता है तुझे? कौन है? राजू? तुम एक दिन जरूर आओगे, मुझे पता था। अकेला नहीं आया हूं, किसी को साथ लाया हूं, तुम्हारी बेटी रिया। जी